देखें, हमारी सोसाइटी बहुत तेज़ी से इंतहाई मटेरियलिस्टिक होती जा रही है। हम सब इंतहाई मादा परस्त होते जा रहे हैं। हम उन चीज़ को प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, ये जो एकदम से हमारी सोसाइटी में मैसिव सोशल चेंज आई है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका एक बेसिक सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका एक चैप्टर है सोशल चेंज। आप सोशल चेंज के चैप्टर में सिर्फ ये पढ़ लें कि जब एक रैपिड सोशल चेंज आती है किसी सोसाइटी में तो उस सोसाइटी में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं और वो प्रॉब्लम्स खुल के हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो हमारा जो सोशल फैब्रिक है जिसमें हमारे रिलेशनशिप्स आते हैं, जिसमें हमारी डीलिंग्स आती हैं, जिसमें हमारी कल्चरल चीज़ें आती हैं, वो किस तरह से हार्म हो रही हैं। जस्ट टेक अ लुक अराउंड यू और अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, क्या इस सारे सिनेरियो के साथ मैं खुश हूँ? डिवोर्सेस बढ़ती जा रही हैं, रिलेशनशिप्स डिटीरियोरेट होते जा रहे हैं, लोग मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, इंतहाई मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, लोगों का तवक्कल अल्लाह, मतलब ये तो चीज़ ही ख़त्म होती जा रही ना, तवक्कल अल्लाह पे जो पुरानी जनरेशन्स का होता था ये आप छोड़ दें कि तवक्कल क्या चीज़ है या अल्लाह ताला पे रिलायंस क्या चीज़ है। तो इस हद तक नुकसान हो रहा है हमारी सोसाइटी में और हमारा मीडिया इसमें बहुत नेगेटिव रोल निभा रहा है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द मीडिया, जो मीडिया में दिखाया जाता है, जाहिर है कि वो डिक्टेटेड होता है, वो एक एजेंडा के साथ होता है। इसमें तो कोई शक की बात है नहीं, मीडिया इज़ ऑल अबाउट प्रोपेगेंडा एंड प्रोपेगेटिंग स्टफ। अगर कोई अच्छे डिसेंट लोग बैठे हों तो वो कुछ अच्छा भी दिखा देते हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर हमारा मीडिया ही गलत लोग के हाथ में हो तो फिर हमें क्या दिखाया जाएगा, हमें क्या टीच किया जाएगा, वो आपके सामने है। किस तरह से हमारी सोसाइटी गॉड सेंट्रिक से हट के मटीरियलिज़म सेंट्रिक होती जा रही और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हम सब सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन की हालत में हो, चाहे वो एडिक्शंस की हालत में हो, चाहे वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है वो रिलेशनशिप्स ब्रेकअप होने की हालत में हो, या वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है ओवरऑल सोसाइटी में एक केओस के हवाले से हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो आज की हदीस है इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा आपको काबिल गौर लगेगी और इट विल गिव यू अ लॉट टू पॉन्डर अबाउट इंशाल्लाह। जो वाकया मैं सुनाना चाहता था, देखें मैं अक्सर ये बात करता हूँ, ने वीडियोस में बात की है कि मैं आप ही की तरह का एक इंसान हूँ, मेरी वही कमिटमेंट्स हैं, मेरी लाइफ में भी फैमिली लाइफ है, वर्किंग भी है, वर्क प्लेस भी है मेरा, वहाँ पर मैं जॉब करता हूँ। ज़ाहिर है कि लाइफ, ये जो 21st century की फास्ट पेस्ड लाइफ है, मुझे पता है व्हाट्स इट ऑल अबाउट। यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाऊँ, स्कूलिंग भी हुई है, तो वही कॉमन चीज़ें जो आम आदमी की लाइफ में होती हैं। अचानक से कोई कमिटमेंट का आ जाना, ज़ाहिर है कि कभी कोई मिसहैप हो जाना, मिसहैप्स से मेरी मुराद है मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़ाहिर है इंसान ने कुछ प्लान किया होता है, हो कुछ जाता है, अचानक कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, अचानक जो है वो ज़ाहिर है कि आपने फैमिली लाइफ भी चलानी है, आपने जॉब भी चलानी है, आपने जो है वो अपने हॉबीज़ भी पूरी करनी है, अपने पर्सनल स्पेस को भी रखना है सामने, बहुत कुछ आपने करना है। तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि इंसान बड़े अच्छे मूड में होता है, बड़ा बूस्टेड होता है, लेकिन अचानक से कुछ होता है, कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल जाती है, कोई ऐसी बात आपके सामने आ जाती है कि आप अचानक ठप हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, अचानक से आप गमज़दा हो जाते हैं, फिर कुछ पेंडिंग टास्क होते हैं वो आपको तंग कर रहे होते हैं, स्ट्रेस कॉज कर रहे होते हैं, राइट। फिर कभी कभी सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली मैनेज करना होता है, यानी फैमिली को भी मैनेज करना होता है, बहुत सी कमिटमेंट्स को आपने मैनेज करना होता है, और अगर आप ना कर पाएँ तो उसका अलग स्ट्रेस आता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि एक दिन मेरे साथ यूं ही हुआ कि बहुत से काम थे, पेंडिंग काम थे, आई हैड टू डू देम, ऑब्वियसली उनकी डेडलाइंस भी थी, और अचानक ऐसे हुआ कि मुझे एक ख़बर मिली जिसकी वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ। जाहिर है कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा होता है, कोई आपको बैठे बैठे ख़बर मिल जाती है, जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे होते,
तो यू गेट डिसअपॉइंटेड ऑब्वियसली, और आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में असर की अज़ान हुई, और असर की अज़ान मैंने सुनी, मैं बैठ गया, थोड़ा सा काम डाउन अपने आप को करने की कोशिश की। अब मेरे जहन पे वो काम सवार है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, अच्छा अभी ये भी पेंडिंग टास्क है, ये भी है, ये भी है। अब इस सारे में अचानक मैंने सोचा कि यार असर की नमाज है, क्यों ना ये सारी चीज़ों को साइड पे रख के, ठीक है पेंडिंग टास्क है, मैंने अभी इसी वक्त भी कुछ टास्क करने, हाउ अबाउट इन सब को साइड पे लगा के आराम से वुजू करते हैं। वुजू करके जमात के साथ, और जमात के साथ ही मर्दों को पढ़नी चाहिए, वुजू करके जमात के साथ असर की नमाज पढ़ते हैं, लेट्स सी उसके बाद देखते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत कॉमन सिचुएशन है कि ऐसे ही होता है, हमारे काम फंसे होते हैं, पेंडिंग टास्क होते हैं, हमने मैनेज करनी होती है बहुत सी चीज़ें, बहुत कुछ याद आ रहा होता है। यही तो टेस्ट है कि सारी चीज़ों को साइड पे लगा के कम टू अल्लाह, अल्लाह ताला को वर्शिप करो। यही हमारा टेस्ट है आज के दौर में, स्पेशली आज के दौर में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत करने के वगैरह वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह आराम से मैंने वुज़ू किया, असर की नमाज जमात से पढ़ी, मेरे सर पे जो टेंशन सवार थी, इतने काम सवार थे, और जो एक वो स्ट्रेस कॉज कर रही थी चीज़ें मुझे, थोड़ा सा बंदा पैनिक होने की साइड पे भी चला जाता है, यकीन कीजिए एट द एंड ऑफ द नमाज ऑल द स्ट्रेस वॉज गॉन, रिलैक्स हो गया मैं, काम डाउन हो गया मैं, क्योंकि नमाज की मूवमेंट से इतनी खूबसूरत है। जमात के साथ जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है कि 7-8 मिनट की एवरेज जमात होती है, लेकिन ये कि कुछ मसाजिद में 10 से 12-13 मिनट की भी होती है, तो कितना वो रिलैक्सिंग टाइम है आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वंस आई फिनिश्ड ऑफरिंग विद जमात, मैं रिलैक्स्ड हो गया, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सारे काम हो जाएंगे, इंशाल्लाह मेरे कामों में बरकत आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ, अचानक मैं रिलैक्स हुआ, एंड देन आई फेल्ट कि मेरे कामों में बरकत आ रही है और सारे काम इंशाल्लाह अपने टाइम पे हो रहे हैं। वो हस्ती जिसको इग्नोर ही नहीं किया जा सकता, जिसको प्रायोरिटी में सेकंड ही नहीं रखा जा सकता, वो अल्लाह है, ही इज़ ऑलवेज फर्स्ट। हमारी कोशिश ये होती है कि सारे काम करके, पहली तो बात हम में से बहुत से लोग नमाज ही नहीं पढ़ते, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, लेकिन जो पढ़ते हैं वो फिर किस तरह से पढ़ते हैं कि सारे काम करके सबको राज़ी करके सबको खुश करके एंड में कुछ मिनट रह जाते हैं तो अब नमाज अदा कर लेते हैं, और वो भी कैसी नमाज होती है, 3-4 मिनट की, 2 मिनट की, 4 फर्ज, वो भी सिर्फ फ़र्ज होते हैं। यही मसला है, दिस इज़ वेयर थिंग्स गो रॉन्ग, दिस इज़ वेयर थिंग्स स्लिप आउट ऑफ आवर हैंड्स, वी बिकम मोर पैनिक्ड, हम मोर स्ट्रेस में जाते हैं, और हमें समझ नहीं आ रही होती हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें। और सबसे बड़ी बात यह कि टाइम में बरकत, जब इंसान उस हस्ती को वर्शिप कर रहा है जो टाइम का क्रिएटर है, व्हाट डू यू थिंक उसके टाइम में बरकत नहीं डलेगी? जब इंसान उस हस्ती के पास जा रहा है मुलाकात करने आउट ऑफ लव, और अपनी सारी चीज़ों को साइड पे रख के उस हस्ती से मुलाकात करने जा रहा है जिसके कंट्रोल में एक एक ज़र्रा है, एक एक एटम है, व्हाट डू यू थिंक आपके काम नहीं होंगे? व्हाट डू यू थिंक आपकी जो आपका जो टाइम है उसमें बरकत नहीं आएगी? व्हाट डू यू थिंक आप रिलैक्स नहीं होंगे? तो ये क्रक्स है हमारी पूरी क्लासेस का क्रक्स, ये इस एक वाक्य में है। और मैंने आपको बताया, मैं भी एक आम इंसान हूँ, मुझ पे भी सुस्ती छा सकती है, मैं भी अक्सर डिमोटिवेट हो सकता हूँ, मेरी भी वही सारी मसरूफियात हैं जो आप सब की हैं, लेकिन इस सब को साइड पे रख के हमने क्या करना है? हमने नमाज को प्रेफरेंस देनी, हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्रेफरेंस देनी। अगर हम वक्त में बरकत चाहते हैं अपने, और अगर हम अपने मामलात को सुलझाना चाहते हैं, तो बस एक ही हस्ती है जिसके आगे झुकें, जिसको सजदा करें, वही हस्ती मामलात को सुलझाने वाली है, वही हस्ती टाइम में बरकत डालने वाली है। तो आई होप के इंशाल्लाह दिस विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव लेसन फॉर ऑल ऑफ अस।